पहली दफा तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी, बाकी जमातें तो छह छह दफा सूबों में बारियां ले चुकी हैं, ये हमारी पहली बारी है। देर लगी समझने में, पहले तो मैं भी बिस्तर पे था, तीन महीने पता ही नहीं था क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि क्या हो रहा है, हुकूमत कैसे चलती है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, पाकिस्तान का जो इदारे हैं वो कितने तबाह हो चुके हैं। तो मैं हमने फैसला किया कि हम दो चीजों पर जोर देंगे, सबसे पहले पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, इनकी तालीम पे, सेहत पे, नौजवानों की ग्राउंडों पे। हम इंशाल्लाह बेवाओं को, यतीमों को, इनके लिए हम स्पेशल पैकेजेस देंगे, सस्ता आटा देंगे, सस्ता घी देंगे। फिर हमने फैसला किया कि इदारों को ठीक करेंगे। सबसे पहले हमने फैसला किया कि पुलिस के इदारे को ठीक करेंगे, क्योंकि आवाम का तो मसला ही पुलिस का। अगर पुलिस डाकुओं को पकड़ती है, अमन कायम करती है, अगर माशरे में अमन होता है, तो मेरे स्वामी के नौजवानों, जब अमन होता है तो खुशहाली आती है, सरमायाकारी होती है। जब हम आए थे 70% इंडस्ट्री पख्तूनख्वा की बंद पड़ी थी, लोग यहां से इस्लामाबाद जा रहे थे, पैसे वाले लोग भाग रहे थे यहां से, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बिजनेस क्या थी, लोगों को अगवा करो और पैसे बनाओ, ये बिजनेस थी। आज मैं फखर से कहता हूं कि हमने अपनी पुलिस को गैर जानेदार बनाया, गैर सियासी किया, मेरिट के ऊपर पुलिस में भर्तियां करवाई, एनडीए सिस्टम लेके आए। कोई एमएलए एमपीए वजीर सिफारिश नहीं कर सकता, आज तक इमरान खान ने एक सिफारिश नहीं की, सारे पख्तूनख्वा में एक सिफारिश नहीं की।